me pretty lies. Look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आज हम लेग पीस बना रहे हैं बहुत ही आसान तरीके के साथ। ये मैंने जस्ट खाली लेग पीसेस लिए हैं, 2 kg है ये लेग पीस। इसमें मैं कट्स लगाती हूँ और मसाला लगा के बताती हूँ। सबसे पहले हम हर लेग पीस में इस तरह कट लगा लेते हैं। इससे यह होगा कि इसमें सारे मसाले अंदर चले जाते हैं। तमाम लेग पीस पे कट्स लगा के फिर मैं मसाले बताती हूँ। मैंने तमाम लेग पीस पे कट्स लगा लिए हैं। आइए देखते हैं आप मसाले। ये अदरक लहसुन है, ये वाला चम्मच मैंने इस्तेमाल किया है, छोटा टीस्पून। और ये एप्पल विनेगर है, ये नॉर्मल जो मसाला डलता है सालन में वो है। नमक इसी चम्मच के साथ मैंने 1 स्पून लिया हुआ है। और ये टिक्का मसाला है, बेकिंग सोडा है, ये छोटा जो कॉफ़ी स्पून होता है उससे मैंने डाला है। इसमें सबसे पहले हम लोग सोडा डालते हैं, मीठा सोडा जो होता है वो डालना है, बेकिंग पाउडर नहीं। इसके बाद ये विनेगर डालते हैं। ये कप जो है ये मेरे पास 30 ml का है, भर के डाल दिया। लहसुन अदरक का पेस्ट डालते हैं। एक टीस्पून मिर्ची और नमक ये डाल देते हैं। टिक्का मसाला का ये मैंने 3 टीस्पून लिया है। चाट मसाला घर में बनाया हुआ है मैंने, वो डालते हैं 1 टीस्पून। इससे खुशबू बहुत अच्छी आ जाती है। सारे मसाले मिक्स करके लेग पीसेस पे अच्छी तरीके से लगा लेते हैं। इनकी कट्स में भी सारे मसाले घुस जाने चाहिए, अच्छे से लगा लेते हैं। इसको 5 मिनट के लिए हम रख लेते हैं, सिर्फ 5 मिनट के लिए इसमें मसाले घुस जाएंगे। ट्रेन में मैंने पहले से बटर पेपर रखे, इस पे ऑयल लगा लिया है। अभी हम सारी ये लेग पीसेस इसमें रख लेते हैं। लेग पीस से जो मसाला थोड़ा रह गया है हम लेग पीसेस पे ऊपर लगा लेते हैं, ऊपर तक जाएगा। ये सारे लेग पीस अच्छे से ट्रे में लगा लिए हैं। ओवन
ओवन मैंने पहले से गर्म करके रखा हुआ है और ये ट्रे बीस से 22 मिनट के लिए हम ये रखते हैं। ये हो गया 20 मिनट। अब हमने ये तमाम लेग पीस को पलटा देने हैं, एक साइड से पक गए हैं, दूसरे साइड हम पलटाते हैं। लेग पीसेस पक चुके हैं, देखें बिल्कुल। अब हम इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा लेते हैं। अभी हम दोबारा फिर से ऑन में रखेंगे 10 मिनट के लिए। इसमें से ये जो पानी आया है ये भी खुश्क हो जाएगा और लेग पीस भी सूख जाएंगे। 10 मिनट हो गए, लेग पीस बिल्कुल तैयार हैं, देखें। दिखने में ही बहुत यम्मी लग रहे हैं। अब हम इसको डिश में निकालते हैं। बहुत ही मज़े का लग रहे हैं, तमाम मसालों के साथ ये देखो कितना अच्छा सा ये रोस्ट हो गया। सिर्फ 5 मिनट में मसाला लगाया, 5 मिनट हमने इंतज़ार किया और 20-25 मिनट में हमारा रोस्ट तैयार हो गया। बहुत ही यम्मी लग रहे हैं। मेरी वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और अपने घर वालों के लिए भी बना के खिलाएं और मुझे बताएं कि आप लोगों को ये रोस्ट कैसा लगा। थैंक यू सो मच।